मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ, जिसके बाद बैठक को लेकर वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि आने वाले 15 दिनों में संगठन को लेकर बड़े निर्णय होंगे। साथ ही सज्जन वर्मा ने बताया कि बैठक में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस नेताओं की ड्यूटी तय होगी। साल 2023 के चुनाव के मद्देनजर हम ब्लॉक और मंडल सेक्टर्स को और छोटा करेंगे ताकि प्रभावी रूप से जनता तक पहुंच सकें। जिसके बाद वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि हर विंग की जिम्मेदारी तय होगी। NSUI महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही चुनाव को लेकर चर्चा होगी, जिसके बाद सज्जन वर्मा ने MP कांग्रेस कमेटी को भंग किए जाने की बात कही। देखिए, दो मसले इस समय कांग्रेस के सामने हैं। एक मसला है एक लोकसभा और 3 विधानसभा के चुनाव, जिसमें हमें अपने साथियों की ड्यूटी लगाना है। अभी से दमोह पैटर्न पे हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये अत्यंत आवश्यक है। और जो माहौल जनता का है वो स्पष्ट है। इस बार फिर मैंडेट जनता कांग्रेस को देना चाहती, एक चीज। दूसरी बात ये है कि ये बैठकें 2023 के चुनाव के लिए भी हैं। हम अपने हर क्षेत्र में बूथ तक पहुंचना चाहते हैं, हर विधानसभा के बूथ तक, बूथ सेक्टर मंडलम। हम बड़े बड़े जो हमारे ब्लॉक हैं उनको छोटा कर रहे हैं, मंडलम को छोटा कर रहे हैं, ताकि अप्रोच इजी हो जाए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के। और इन चुनाव में बड़े से बड़े नेता को छोटी छोटी जवाबदारी देंगे। जवाबदारी बड़ी है पर तो बहुत छोटे छोटे हिस्से देंगे।